मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर ये जो बाइट चली कि मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम उसमें करा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि उनको फैक्ट चेक करने चाहिए। एक वो ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ उनको पूरा प्रदेश देखता है, और मुझे नहीं पता उनके एडवाइज़र्स कौन हैं और उनके, मैं बोलूँगा, इल एडवाइज़र्स कौन हैं जो इस तरह की जो उनको जो है फीडबैक्स दे रहे हैं। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स आज की दुनिया में रहते हैं। आप मेरी GPS लोकेशन निकाल लीजिएगा, आप मेरे CDRs निकाल लीजिएगा, आप अपने एजेंसीज को दुरुस्त करके मेरे वेयर अबाउट्स पता कर लीजिएगा। ना हर्ष महाजन जी ना मैं, जब ये जिस तारीख के लिए बोला गया हम लोग थे ही नहीं वहाँ पर। और आपको ये बताते हुए मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे लगभग एक साल से ऊपर हो गया मैं बिलासपुर की तरफ रुख भी नहीं किया। तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी जो असली जो जो इशू है उसे भटकाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और उन्होंने ये बेसिक एलिगेशन उन्हें लगाया है विदाउट कोई सी प्रूफ के। सो मैं मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन करता हूं कि जो उनकी कांग्रेस पार्टी में इस टाइम जो फैक्शनलिज्म चल रही है उसके बारे में वो सोचें। क्यों बार बार उनके विधायक उनके खिलाफ जो है विरोध के सुर अपना रहे हैं? अच्छा होगा कि आप उनको एड्रेस करें। प्रदेश का जो एक हमारा जो विकास का जो पहिया है वो जो बंद हो गया है उसके बारे में चिंता करें, उसको चलाएं, और जो इनके आपस के कांग्रेस की गुटबाजी है उसके बारे में ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और जिस तरह के एलिगेशन उन्होंने हम भारतीय जनता पार्टी पर लगाए वो पूरी तरह से बेसलेस है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके 3 साल बचते हैं, डेवलपमेंट पर काम करिए, और मुझे अचंभा भी नहीं होगा कि वो कहीं अब इस बात से भी ना मुकर जाएं। जैसे आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ, टॉयलेट टैक्स लगाया, टॉयलेट टैक्स के बाद एकदम उनका फिर 24-48 घंटे के अंदर उनका उस पर भी रोल बैक हुआ, तो रोल बैक भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको सोच समझ के थोड़ी सी जो है सारे तथ्यों में जाकर उनको एलिगेशन लगाने चाहिए। ये आप लोगों ने ही रिपोर्ट करा है, मीडिया ने ही रिपोर्ट करा है कि वो कांग्रेस के विधायक थे, वो लीडरशिप को चेंज करने की बात कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ही कोट कर रहा हूं जो मीडिया ने बोला है। मुझे उसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया, हर्ष महाजन जी को उसमें क्यों इन्वॉल्व किया, ये समझ से परे है। मतलब देर इज़ नो कॉमन सेंस।